बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा नंबर वन। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है, ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है, क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल लीजिए उधर से, हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर वन। अच्छा नंबर टू, ये जो बोल रहे हैं ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले दो थप्पड़ मारने का फिर कुछ भी, इनका दो दो बयान में देखो कितना फर्क है, आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी बात अब की करो ना, अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, गोल्डन मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात तो करो। कोरोना से आपको क्या आपत्ति है? जवाब नहीं, प्लीज डॉक्टर साहब को बोल जान बचे, वो भी बताइए आप, बोलिए बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को, क्या चल रहा है इधर नाटक, ठीक है आप बोलिए डॉक्टर, ले ले बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब देंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए, नंबर वन, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर FIR लॉज हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया, पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं? और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए, ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया, अभी चुप बैठिए आप चुप बैठिए, आराम से क्यों नहीं मुझे, अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और